वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 की टेस्ट सीरीज चल रही थी, 122 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह टेस्ट नंबर 23 इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न, तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। प्रतिदिन टेस्ट सीरीज चल रही है, सब्सक्राइब रखना चैनल को, बेल आइकन को प्रेस रखना लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, लिंक हर टेस्ट के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। 4 से 5 सेकंड का टाइम मिलेगा सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 है, भारत पर्व के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है। यहाँ पर इसका आयोजन केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जाता है। और सेकंड स्टेटमेंट है, वर्ष 2016 से एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण के साथ इसका आयोजन किया जा रहा है। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, पहला भी करेक्ट है दूसरा भी करेक्ट है, भारत पर्व के संदर्भ में। तो सही पूछा है तो सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, भारत पर्व का आयोजन केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा किया जाता है और यह जो आयोजन है गणतंत्र दिवस समारोह का एक हिस्सा है, इसलिए पहला करेक्ट है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत के संबंध में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के मद्देनज़र भारत पर्व का आयोजन वर्ष 2016 से गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। करेक्ट हैं दोनों के दोनों। क्वेश्चन नंबर 2 है, नट्री अलवा स्वरूपीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह आर्किया नामक सूक्ष्मजीवी की एक नई किस्म है। किसकी? आर्किया नामक सूक्ष्मजीवी। इसकी खोज नेशनल सेंटर फॉर माइक्रोबियल रिसोर्स के वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, मतलब कौन सा जो कथन है इसमें गलत है। तो देखिए, ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। तो देखिए, नट्री अलवा स्वरूपीय आर्किया नामक सूक्ष्मजीवी की एक किस्म है। इस नए आर्किया को नट्री अलवा स्वरूपीय नामक जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सचिव डॉक्टर रेणु स्वरूप की देश में माइक्रोबियल विविधता अध्ययनों में उनकी पहल के लिए दिया गया है। तो इसलिए पहला करेक्ट है। और इसे नेशनल सेंटर फॉर माइक्रोबियल रिसोर्स के वैज्ञानिकों ने खोजा, इसलिए दूसरा भी करेक्ट है। इसकी शुरुआत वर्ष 2009 में माइक्रोबियल कल्चरल कलेक्शन के रूप में हुई थी। वर्ष 2017 में माइक्रोबियल कल्चर कलेक्शन को नेशनल सेंटर फॉर माइक्रोबियल रिसोर्स में बदल दिया गया। यह नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस का एक हिस्सा है, इसलिए दूसरा भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किन झीलों का संबंध कर्नाटक से है। इनमें देखिए, जो पुलिकट लेक है, पुलिकट लेक आपने पढ़ा होगा, और प्रश्न अगर कोई परीक्षा दी होगी तो पूछा भी गया होगा यह प्रश्न। तो पुलिकट तो तमिलनाडु में है, पुलिकट लेक तो तमिलनाडु में है, और कोडाई कैनाल अगर मोटा मोटा याद हो रहा होगा तो ये भी तमिलनाडु में है। पहले अगर पुलिकट को पता होगा तो सबसे पहले 5 को एलिमिनेट करिए, क्योंकि ये तमिलनाडु में है तो कर्नाटक में तो हो नहीं सकती। उसके बाद अगर कोडाई कैनाल आ रहा है तो ये भी तमिलनाडु में है, तो 4th को भी एलिमिनेट कर दीजिए जहाँ जहाँ 4th है। तो आराम से इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। तो कुडवारा लेक और कोडाजी लेक और फिर जरागना हल्ली लेक जो है वो कर्नाटक में है। तो 1, 2 और 3 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, कर्नाटक राज्य की प्रमुख झीलें हैं, एक तो कुडवारा झील है और कोडाजजी झील है और जरागना हल्ली झील है, पंपा सरोवर है और होन्नामाना झील है, जो पुलिकट लेक है और कोडाई कैनाल है वो जो है तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट हैं और यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। पहला स्टेटमेंट है, भारत आधारित न्यूट्रिनो वैधशाला तमिलनाडु में स्थापित की जा रही है और न्यूट्रिनो का नामकरण पाउली नामक वैज्ञानिक ने किया था। देखिए, पहला तो करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि न्यूट्रिनो का नामकरण जो है वो एनरिको फर्मी नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो केरल की सीमा से सटे तमिलनाडु के थेनी जिले में बोडी पहाड़ियों को विज्ञान के एक अहम प्रयोग स्थल न्यूट्रिनो वैधशाला के लिए चुना गया है, इसलिए पहला करेक्ट है। और सन 1933 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने न्यूट्रिनो कणों का नामकरण किया था, इसलिए दूसरा है इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर पाउली नहीं है, न्यूट्रिनो है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रेडमार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि कौन सा इनमें गलत है। तो यह किसी आविष्कार के लिए दिया जाने वाला एक विशेष अधिकार है
और ट्रेडमार्क का स्वामित्व केवल व्यावसायिक संगठनों के पास होता है। बताइए कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा करेक्ट है। वैसे गलत ढूंढना है इसमें, मतलब कौन सा इसमें असत्य है, असत्य कौन सा सही नहीं है। देखिए ट्रेडमार्क किसी आविष्कार के लिए दिया जाने वाला विशेष अधिकार थोड़ी है, गलत है पहला स्टेटमेंट। और ट्रेडमार्क का स्वामित्व केवल व्यावसायिक संगठनों के पास, ऐसा नहीं है कि केवल केवल किंतु परंतु वाले स्टेटमेंट अधिकतर 90% जो है वो गलत हो जाते हैं, तो यहाँ पर भी ये गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। देखिए ट्रेडमार्क का स्वामित्व तो किसी कानूनी कंपनी के पास भी हो सकता है और किसी व्यावसायिक संगठन के पास भी हो सकता है और किसी व्यक्ति विशेष जैसे आपके पास भी हो सकता है, मेरे पास भी हो सकता है, तो गलत है दोनों के दोनों। तो कौन सा इसमें सही नहीं है, तो दोनों जो हैं सही नहीं है, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए ट्रेडमार्क एक प्रकार की बौद्धिक संपदा है। ट्रेडमार्क एक संकेत है जो एक उद्यम की वस्तुओं या सेवाओं को अन्य उद्यमों से अलग करने में सक्षम करता है, इसलिए पहला है गलत। और ट्रेडमार्क का जो स्वामी है कोई एक व्यक्ति विशेष, कोई व्यावसायिक संगठन या फिर कोई कानूनी इकाई, कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाल ही में केंद्र सरकार ने माइकल देवव्रत पात्रा को भारतीय रिजर्व बैंक मतलब RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। डिप्टी, ध्यान दीजिएगा डिप्टी। और माइकल देवव्रत पात्रा जून 2019 में इस पद से इस्तीफा देने वाले विरल आचार्य का स्थान लेंगे। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सही पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने माइकल देवव्रत पात्रा को भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। माइकल देवव्रत पात्रा जून 2019 में इस पद से इस्तीफा देने वाले विरल आचार्य का स्थान लेंगे। इस संदर्भ में जारी अध्यादेश के अनुसार माइकल देवव्रत पात्रा का कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष का होगा और नए डिप्टी गवर्नर इससे पूर्व मौद्रिक नीति विभाग में कार्यकारी निदेशक के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। ज्ञात हो कि भारतीय रिजर्व बैंक में कुल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं जिनकी नियुक्ति सरकार द्वारा गवर्नर की सहमति से की जाती है और नियमों के अनुसार 4 डिप्टी गवर्नरों में 2 केंद्रीय बैंक के अधिकारी होते हैं जबकि 1 वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित होता है और 1 होता है प्रसिद्ध अर्थशास्त्री। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में जैव विविधता विभाग ने दिल्ली में, कहाँ पर, दिल्ली में महिलाओं के स्टेम पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। अब यहाँ पर स्टेम का मतलब क्या है, S4 है साइंस, T4 है टेक्नोलॉजी, E4 है इंजीनियरिंग और M4 है मैथ मतलब गणित पर आधारित एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है। किसने किया है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने, कहाँ पर किया है, नई दिल्ली में, किसके लिए, महिलाओं के लिए, तो करेक्ट है स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्टेम क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है, मतलब साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और मैथ के क्षेत्र में और साथ ही इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, करेक्ट ही पूछा है, तो सी हो जाएगा भाई। तो देखिए स्टेम पर महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी विभाग मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने नई दिल्ली में, कहाँ पर, नई दिल्ली में महिलाओं के लिए साइंस मतलब विज्ञान, T4 प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी और E4 इंजीनियरिंग फॉर इंजीनियरिंग और M4 मतलब मैथ मतलब गणित अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्टेम क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। शिखर सम्मेलन के दौरान अनेक सत्र आयोजित किए गए जिसमें सफल महिलाओं, महिला वैज्ञानिकों और डॉक्टरों, इंजीनियरों के वास्तविक उदाहरण देकर स्टेम क्षेत्र में महिलाओं को मिली उल्लेखनीय कामयाबी को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के संबंध में या संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट को पढ़िए फिर दूसरे को पढ़िए। देखिए पहला स्टेटमेंट है, वर्ष 2018-19 के दौरान रिफाइनरी का उत्पादन 257.20 मिलियन मीट्रिक टन था जो वर्ष 2017-18 में हुए कुल उत्पादन की तुलना में 2.9% अधिक था। सेकेंड स्टेटमेंट है, मार्च 2019 के दौरान रिफाइनरी का उत्पादन 22,495.43 मीट्रिक टन था जो मार्च 2018 के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में 6.51% अधिक था। तो इस तरह के स्टेटमेंट वाले जो प्रश्न होते हैं इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक सर्वे का प्रश्न है और ये प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में इस तरह के प्रश्न बाउंसर मारते हैं, लेकिन अधिकतर दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं इस तरह के आंकड़े वाले प्रश्न में, क्योंकि कहाँ से लाएगा स्टूडेंट आंकड़ा इतना खोज कर। तो सी हो जाएगा इसका आंसर, दोनों करेक्ट हैं। तो देखिए वर्ष 2018-19 के दौरान रिफाइनरी का उत्पादन 257.20 मिलियन मीट्रिक टन था जो 2017-18 में हुए उत्पादन की तुलना में 2.9% अधिक है
और मार्च 2019 के दौरान रिफाइनरी का उत्पादन 22,495.43 मीट्रिक टन था, जो मार्च 2018 के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में 6.51% अधिक था और माह के लिए निर्धारित लक्ष्य की अपेक्षा 8.18% अधिक है। वर्तमान में अपने देश में कुल 23 परिष्करणशालाएँ हैं, जिनमें से 18 सार्वजनिक क्षेत्र की हैं, 2 हैं संयुक्त उपक्रम क्षेत्र की तथा 3 परिष्करणशालाएँ जो हैं वो निजी क्षेत्र की हैं। करेक्ट है दूसरा भी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, जैव विविधता से तात्पर्य विस्तृत रूप से उन विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और वनस्पति से है जो संसार में या किसी विशेष क्षेत्र में एक साथ रहते हैं। ये तो आसान सा स्टेटमेंट है और ये करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा 1988 में नॉर्मन ई बोनलोग द्वारा विकसित की गई थी। देखिए पहला तो करेक्ट हो गया और दूसरा गलत है, क्योंकि नॉर्मन ई बोनलोग तो हरित क्रांति के जनक है ना विश्व में, और वैसे भी नॉर्मन ई बोनलोग कोई है नहीं, वो तो बोरलोग हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट को वैसे ही एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो गलत है, ये नॉर्मन मायर्स है। कौन है? नॉर्मन मायर्स। तो केवल एक हो जाएगा इसका। तो देखिए, जैव विविधता से तात्पर्य विस्तृत रूप से उन विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और वनस्पति से है जो संसार में या किसी विशेष क्षेत्र में एक साथ रहते हैं। जैव विविधता का संबंध, जिसे हम जैविक विविधता भी कहते हैं, मुख्य रूप से अलग अलग तरह के पेड़ पौधे पशु पक्षियों का धरती पर एक साथ अपने अस्तित्व को बनाए रखने से है। इसलिए पहला है करेक्ट। जैव विविधता हॉटस्पॉट का मतलब क्या? हॉटस्पॉट यहाँ पर आकर्षण का केंद्र, की स्थापना 1988 में नॉर्मन मायर्स द्वारा विकसित की गई थी, ना कि नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। हॉटस्पॉट को निर्धारित करने के लिए जो मानदंड है इंपॉर्टेंट है वो पूछ लिए जाते हैं। क्या क्या मानदंड है इसके लिए? देखिए, इसमें कम से कम देखिए 1500 संवहनीय पौधे होने चाहिए जो उस क्षेत्र के अलावा कहीं नहीं पाए जाते हों। सॉरी फॉर दिस, ये अलावा है, अलावा आ है, अलावा नहीं है। दूसरे शब्दों में हॉटस्पॉट या आकर्षण के केंद्र जो हैं वो अपरिवर्तनीय हैं। अच्छा, ऐसा क्षेत्र जिनका 70% से अधिक जो मूल पर्यावास है वो नष्ट हो चुका हो। कितना? 70% से अधिक, और 30% मूल प्राकृतिक वनस्पति भी विलुप्ति की कगार पर हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मानदंड है किसके लिए? हॉटस्पॉट के लिए। हॉटस्पॉट वेस्टर्न घाट भारत में हॉटस्पॉट है और पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि विश्व मानचित्र पर अध्ययन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप मतलब साउथ अमेरिकी महाद्वीप में सबसे दक्षिणतम होगा? तो देखिए, ज्योग्राफी के प्रश्नों के लिए इंपॉर्टेंट है आज, प्रीलिम्स के लिए आपको या मुख्य परीक्षा के, जो भी आप मैप की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आपके पास सबके पास ऑक्सफोर्ड का एटलस होना चाहिए। तो बताइए कौन सा, बोलीविया, पराग्वे, ब्राज़ील या फिर उरुग्वे होगा इनमें? देखिए, आपने अगर साउथ अफ्रीका का मैप देखा होगा तो सबसे ऊपर, यहाँ देखिए, ऊपर से यहाँ तक फैला नीचे तक, ये है ब्राज़ील। क्या है? ब्राज़ील। और ब्राज़ील के नीचे है यहाँ पर, क्या है? उरुग्वे। और फिर यहाँ पर है पराग्वे, पराग्वे है। और बोलीविया कहाँ पर है? पराग्वे के इधर ऊपर बोलीविया यहाँ पर हो गया। और यहाँ नीचे तक फैला है, यहाँ अर्जेंटीना फैला, लेकिन अर्जेंटीना के नीचे भी यहाँ चिली आ जाता है। तो फिलहाल इसमें जो सबसे नीचे होगा ना वो उरुग्वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे दक्षिणतम दक्षिण अफ्रीका में उरुग्वे होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसको मैप से सॉल्व करते हैं। देखिए ये है, देखिए मैप, सुंदर सा मैप दक्षिण अमेरिका का। तो देखिए यहाँ से देखिए ब्राज़ील शुरू हुआ, यहाँ तक आ गया ब्राज़ील, लेकिन ब्राज़ील के नीचे देखिए उरुग्वे आ गया। तो सबसे दक्षिण तम यहाँ पर उरुग्वे हो गया। अब पराग्वे कहाँ है? इससे ऊपर है देखिए ये, और बोलीविया इसके भी ऊपर है ये। अगर इसमें पूछ लिया जाता अर्जेंटीना, तो देखिए अर्जेंटीना सबसे नीचे आ गया यहाँ, और सबसे इससे भी नीचे देखिए चिली है। देखिए चिली नीचे तक पहुँच गया बिल्कुल ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 10 प्रश्न थे, इंपॉर्टेंट थे, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा एक बार, इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।